नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पंकज प्ले में। दोस्तों, इस चैनल में हम बात करेंगे कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, माइंड बॉगलिंग और दिल को छू जाने वाली मूवीज़ के बारे में। और अगर आप भी ऐसी ही फिल्मों की कहानियों के शौकीन हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2010 में आई एक मास्टरपीस मूवी फ्रोजन के बारे में, जिसे डायरेक्ट किया था एडम ग्रीन ने और जिसे आईएमडीबी पर 6.1 की रेटिंग्स मिली है। और अगर बात करूं मूवी की, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप खौफ और हौसले की एक नई दास्ता से रूबरू होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है न्यू इंग्लैंड में स्थित माउंट हॉलिस्टन के एक स्केटिंग रिजॉर्ट से, जहां हम पहली बार डैन को उसके बचपन के दोस्त लिंच और अपनी प्रेमिका पार्कर के साथ देखते हैं, जो कॉलेज से बंक मारकर वहां स्केटिंग करने आए थे। अब तीनों की नजर वहां मौजूद लिफ्ट अटेंडेंट पर जाती है, जिसकी कुछ देर बाद शिफ्ट खत्म होने वाली थी। अब डैन उन्हें बताता है कि अगली लिफ्ट अटेंडेंट एक महिला है जो उसकी काफी अच्छी दोस्त है और जिसके जरिए उन्हें रिजॉर्ट में एंट्री मिल जाएगी। लेकिन तभी उनकी नजर एक नए लिफ्ट अटेंडेंट जेसन पर जाती है, जिसे देख तीनों मायूस हो जाते हैं। अब डैन और लिंच एक प्लान बनाते हैं, जहां वो पार्कर से उनकी मदद करने को कहते हैं। अब पार्कर जेसन के पास जाती है, जहां वो उसे मस्का लगाते हुए नजर आती है। वहीं दूसरी ओर हम उन दोनों को भी देखते हैं, जो इसी कश्मकश में होते हैं कि क्या वो उन्हें एंट्री दिला पाएगी या नहीं। अब कुछ देर बाद वो वहां से मायूस होकर वापस लौटती है, जिसे देख वो दोनों भी मायूस हो जाते हैं। लेकिन तभी वो उन्हें सरप्राइज देते हुए एंट्री मिलने का इशारा करती है। और इस तरह हम उन तीनों को चेयर लिफ्ट के जरिए पहाड़ी के ऊपर जाते हुए देखते हैं, जहां ऊपर जाने के दौरान सभी चेयर लिफ्ट्स एक जगह जाकर रुक जाती हैं। अब खुद को इतनी ऊंचाई पर फंसा देख पार्कर घबरा जाती है और उसे देख लिंच उसका मजाक उड़ाते हुए नजर आता है। लेकिन वहीं दूसरी ओर डैन उसे हौसला देते हुए कहता है कि हो सकता है लाइट चली गई हो, जो अभी वापस आ जाए। और तभी लिफ्ट चल पड़ती है और इस तरह तीनों ऊपर पहुंचकर खुद को स्केटिंग के लिए तैयार करते हुए नजर आते हैं, जहां वो तीनों मिलकर पूरा दिन खूब सारी मस्ती करते हैं। अब डैन पार्कर को स्केटिंग सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन नौसिखिया होने की वजह से पार्कर हर बार किड़ती पड़ती नजर आती है। और उन दोनों को एक साथ वक्त बिताता देख लिंच अपने बचपन के दोस्त को मिस करता हुआ नजर आता है। अब शाम को लिंच अपनी इस जलन के कारण अपने मन के जज्बात अपने दोस्त के सामने जाहिर करता है और उसे बच्चों वाली स्केटिंग छोड़कर मर्दों की तरह तेज रफ्तार में स्केटिंग करने को कहता है। अब उसकी ये बातें पीछे से आती हुई पार्कर सुन लेती है और उन दोनों से ये कहते हुए माफी मांगती है कि उन दोनों को उसे यहाँ नहीं लाना चाहिए था। लेकिन तभी डैन एक अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाते हुए पार्कर से लिंच की तरफ से माफी मांगता है और अपने दोस्त को माफी मांगता देख लिंच को भी मजबूरन उसका साथ देना पड़ता है। और तीनों एक आखिरी बार स्केटिंग करने के लिए निकल पड़ते हैं। अब जैसे ही तीनों चेयर लिफ्ट तक पहुंचते हैं, तो जेसन उन्हें वापस जाने के लिए कहता है। और जब तीनों इसका कारण पूछते हैं, तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें मौसम खराब होने की जानकारी मिली है, जिसके चलते उन्हें जल्द से जल्द पूरी पहाड़ी खाली करवाने का आदेश मिला है। लेकिन इसके बावजूद भी तीनों उसकी बात को न मानते हुए एक आखिरी राउंड देने की जिद करते हैं और उन बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए वो उन्हें जाने देता है। और इस तरह हम एक बार फिर से उन तीनों को पहाड़ी के ऊपर जाते हुए देखते हैं, जहां ऊपर जाने के दौरान उनकी नजर अपने नीचे से गुजरते हुए तीन स्केटर्स पर जाती है, जिन्हें स्केटिंग करता देख दोनों लड़के एक्साइटेड होते हुए नजर आते हैं। वहीं दूसरी ओर जेसन का एक सहयोगी उसके पास आकर उसे बताता है कि बॉस ने उसकी अगले हफ्ते होने वाली छुट्टियां कैंसिल कर दी हैं। और उसकी ये बात सुन वो चिंतित हो उठता है और लिफ्ट की जिम्मेदारी उसे देते हुए वो अपने बॉस से मिलने चल देता है, जहां वो जाते जाते उसे बताता है कि आखिरी गए तीन लोगों के वापस आते ही वो लिफ्ट को बंद कर दे। अब कुछ देर बाद उसकी नजर उन्हीं तीन लोगों पर जाती है, जिनके वहां आते ही वो लिफ्ट को बंद करके चल देता है। अब हमारी नजर उन तीनों पर जाती है, जो इतनी ऊंचाई पर लिफ्ट के बंद हो जाने के कारण चिंतित हो उठते हैं और डर के मारे उन्हें लगता है कि शायद जेसन ने उनके साथ कोई भद्दा मजाक किया है। अब ये सब देख लिंच चिल्लाते हुए उसे लिफ्ट चलाने के लिए कहता है, लेकिन वहां से किसी का जवाब न आने के कारण सब सोच में पड़ जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम रात की आगोश में जाती है, जहां वो तीनों अपने अपने मोबाइल्स को लॉकर में छोड़ आने की वजह से अपना दिल बहलाने के लिए एक दूसरे से बातचीत करना शुरू करते हैं। और इसी बीच हमारी नजर उनके पीछे लगी लाइट्स पर जाती है, जो एक के बाद एक बंद होना शुरू हो जाती है। और इस तरह पूरी पहाड़ी से रोशनी गायब होती नजर आती है, जहां पहली बार उन तीनों को एहसास होता है कि ये कोई मजाक नहीं, हकीकत है। और वो तीनों मदद के लिए पुकारते दिखाई देते हैं, लेकिन जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि रिजॉर्ट वाले उन्हें पीछे छोड़कर जा चुके हैं।
अब खुद को ऐसे हालात में देख पार्कर डर के मारे चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन डैन उसे हौसला देते हुए खुद पर काबू रखने को कहता है। अब कुछ देर बाद डैन की नज़र नीचे की ओर जाती है और वो उन दोनों से कहता है कि मदद ना मिलने पर वो यहाँ से कूद भी सकता है और यह सब वो पहले भी कर चुका है। लेकिन उसकी ये बातें सुन पार्कर उसे याद दिलाती है कि आज संडे है, यानी अब रिजॉर्ट सीधा अगले फ्राइडे को जाकर खुलेगा। और इतना सुनते ही सभी डर के मारे खुद को बेबस और लाचार पाते हैं। अब कुछ देर बाद पार्कर डैन से कहती है कि उसे वॉशरूम जाना है, जिसे सुन लिंच उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर उनकी मदद करने कोई ना आया तो उसे पूरे एक हफ्ते कंट्रोल करना होगा। और इतना कहकर वो खुद वहीं बैठे बैठे हल्का होने लग जाता है। अब धीरे धीरे मौसम अपना रंग बदलता है और देखते देखते वहां भयंकर बर्फबारी शुरू हो जाती है, जिसे देख वो तीनों कई घंटों तक खुद को ठंड से बचाते हुए नजर आते हैं। अब इसी दौरान लिंच के चेहरे पर एक रोशनी पड़ती है और उसका ध्यान अपने नीचे से गुजरते हुए एक ट्रक पर जाता है, जिसका ड्राइवर पहाड़ी के ऊपर अपने एक दोस्त को लेने जा रहा था। अब वो तीनों ट्रक को देखकर खुशी से भर जाते हैं और जोरों जोरों से उसे मदद के लिए पुकारने लगते हैं, लेकिन उस भयंकर तूफान के अंदर उनकी आवाज उस तक नहीं पहुंच पाती। और इसी दौरान उस ड्राइवर को वायरलेस पर अपने एक सहयोगी का मैसेज मिलता है, जो उसे बताता है कि उसका दोस्त बहुत पहले ही नीचे आ चुका था और उसे भी जल्द से जल्द नीचे आने का आदेश देता है। अब ये सुनते ही वो ट्रक को पीछे ले जाना शुरू कर देता है और उसे जाता देख वो तीनों चिल्लाते हुए उस पर अपना स्केटिंग का सामान फेंकना शुरू कर देते हैं। अब ड्राइवर को उन चीजों का शोर तो सुनाई देता है, लेकिन ट्रक के शीशे पर बर्फ जमी होने के कारण वो उन्हें देख नहीं पाता और इसे अपना वहम समझते हुए वहां से चल देता है। और इस तरह वो तीनों उसे जाता हुआ देख एक बार फिर से अकेले पड़ जाते हैं। अब रात का एक पहर कटता है जहां वो तूफान धीरे धीरे थमता हुआ नजर आता है और हमारी नजर एक बार फिर से उन तीनों पर जाती है, जो हड्डियां जमा देने वाली ऐसी ठंड में बुरी तरह से कांपते हुए नजर आते हैं। अब पार्कर खुद का स्ट्रेस दूर करने के लिए अपना ग्लव्स उतारकर सिगरेट निकालने की कोशिश करती है और इसी दौरान वो ग्लव्स नीचे जा गिरता है। अब डैन की नजर उसके चेहरे पर पड़ती है, जहां ठंड की वजह से उसके चेहरे की चमड़ी लाल होना शुरू हो गई थी, और उसकी ये हालत देख वो कुछ देर सोचता है और सेफ्टी बार को ऊपर करते हुए नीचे कूदने लगता है। लेकिन तभी वो दोनों उसे रोकना शुरू कर देते हैं, जहां डैन पार्कर को हौसला देते हुए कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, और इतना कहकर वो उसका माथा चूम लेता है। अब वो अपना स्केटबोर्ड नीचे फेंकता है और लिंच की तरफ देखते हुए कहता है कि उसने थोड़ी देर पहले जो कुछ भी कहा था वो सब झूठ था, वो आज से पहले कभी भी कहीं से नहीं कूदा है। और इतना कहते ही वो कूद जाता है। अब जैसे उसके पैर जमीन को छूते हैं तो एक जोरदार आवाज होती है और हम देखते हैं कि उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। और अपना ये हाल देख वो दर्द के मारे चिल्ला उठता है और उसका ये दर्द पूरी वादियों में गूंज जाता है। अब उसका ये हाल देख पार्कर चिंतित होते हुए नीचे कूदने लगती है कि तभी नीचे बैठा डैन उसे ऐसा करने से मना करता है। अब उसका खून बहता देख वो अपना मफलर निकालकर नीचे फेंकती है, लेकिन तेज हवाओं के कारण वो एक पेड़ पर जा फंसता है। वहीं दूसरी ओर लिंच भी अपना मफलर निकालकर नीचे फेंकता है, जो सीधा डैन के पैरों के पास जा गिरता है। अब डैन अपनी पूरी ताकत से उस मफलर तक पहुंचता है और उसे अपनी टांगों पर बांध लेता है। अब इसी दौरान लिंच का ध्यान अपने ऊपर लगी केबल पर जाता है, जो सीधा उनके पीछे मौजूद एक लिफ्ट पोल तक जा रही थी। अब लिंच उसे हौसला देते हुए केबल के जरिए उस पोल तक पहुंचने की बात कहता है, जिसे सुन डैन उसे बताता है कि उन केबल्स की धार बहुत तेज होती है, जिसके चलते उसके हाथ भी कट सकते हैं। अब लिंच उसकी जान बचाने के लिए उठ खड़ा होता है और जैसे ही लिफ्ट पर चढ़ने लगता है कि तभी उसका पैर बर्फ के कारण फिसल जाता है। अब वो नीचे उतरकर पार्कर की मदद से चेयर लिफ्ट की बर्फ को हटाने में जुट जाता है। वहीं दूसरी ओर नीचे डैन उन टुकड़ों से बचने की कोशिश करते हुए दिखता है कि तभी अचानक उसकी नजर अपने सामने खड़े भेड़िए पर जाती है, जिसे देख उसके होश उड़ जाते हैं। अब जैसे भेड़िया उस पर हमला करने लगता है कि तभी ऊपर से पार्कर अपना स्नोबोर्ड नीचे फेंकते हुए उस भेड़िए को वहां से भगा देती है। अब हम एक बार फिर से लिंच को लिफ्ट पर खड़ा होते हुए देखते हैं, जो ऊपर लगी केबल के जरिए आगे बढ़ना शुरू करता है। और इसी दौरान उसकी नजर नीचे जाती है और वो खौफ से भर जाता है और वापस घूमते हुए लिफ्ट पर आकर बैठ जाता है। अब वो पार्कर को नीचे देखने से मना करता है और वहीं दूसरी तरफ डैन लिंच से पार्कर की आंखें बंद करने को कहता है। और हम देखते हैं कि उस भेड़िए का पूरा झुंड डैन को घेरे खड़ा था, जो पलक झपकते ही उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते हैं और उसकी चीखें ऊपर बैठे उन दोनों को सुनाई देती हैं, जो अपने प्यार और सच्चे दोस्त को मरते देख चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। अब दर्द का एक और पहर कटता है और हमारी नजर एक बार फिर से उन दोनों पर जाती है, जहां लिंच अपने जख्मी हाथों को देखता है जो केबल से कट चुके थे। वहीं दूसरी ओर पार्कर उसे गैर जिम्मेदार बताकर उस पर डैन की मौत का इल्जाम लगाती है,
जिसे सुन लिंच भड़क जाता है और उसे ताना देते हुए कहता है कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड पिछले एक साल से हो, लेकिन हमारी दोस्ती बचपन की थी। उसकी ये बातें सुन पार्कर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो लिंच से माफी मांगते हुए उसके कंधे पर सर रख कर रो पड़ती है और लिंच भी अपना गुस्सा थूक कर उसे गले लगा लेता है। और इस तरह हम पहली बार दोस्ती और प्यार को एक साथ मिलते हुए देखते हैं। अब अगली सुबह होती है और हम लिंच और पार्कर को सोता हुआ देखते हैं। अब जैसे ही पार्कर की नींद खुलती है तो उसकी नजर अपने हाथ पर जाती है जो ठंड के कारण उस सेफ्टी बार पर चिपक गया था। अब जैसे ही वो उसे निकालने की कोशिश करती है तो उसके हाथ की चमड़ी निकल कर अलग हो जाती है और सेफ्टी बार के शोर से लिंच की नींद भी खुल जाती है, जहाँ उसकी नजर पार्कर के चेहरे पर पड़ती है जो बुरी तरह से खराब होना शुरू हो गया था। अब वो पार्कर को हौसला देते हुए कहता है कि आज क्लास में उन्हें ना देखकर उनके बाकी साथी उन्हें ढूंढने जरूर आएंगे, लेकिन पार्कर उसे बताती है कि उसने किसी को भी इत्तला नहीं किया था। अब उसकी ये बात सुनकर लिंच फिर से मायूस हो जाता है और अपने पीछे मौजूद पोल तक जाने की बात करता है, लेकिन पार्कर उसे भी खो देने के डर से उसे ऐसा करने से मना करते हुए उसे कुछ देर और इंतजार करने के लिए कहती है, जहाँ इंतजार करते करते उन दोनों को दोपहर हो जाती है। अब हम एक बार फिर से उन्हें देखते हैं, जहाँ लिंच हमें सोता हुआ दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर पार्कर पिछली रात से कंट्रोल किए वॉशरूम से परेशान नजर आती है। अब उसकी नजर सोते हुए लिंच पर जाती है और इस तरह हम पहली बार एक लड़की की इज्जत को पानी पानी होता देखते हैं, जहाँ इस समाज के कुछ भूखे भेड़िए उसी इज्जत को रौंदने में पल भर की देर नहीं लगाते हैं। खैर, अब धीरे धीरे धूप और तेज होने लगती है और हम लिंच को उठते हुए देखते हैं, जो वहाँ किसी को न पाकर एक बार फिर से निराश हो जाता है। अब दोनों दिल बहलाने के लिए डैन से जुड़ी यादों का जिक्र करते हैं, जहाँ हम पहली बार ऐसे दर्द भरे माहौल में उन दोनों के चेहरे पर दो पल के लिए एक खुशी की लहर देखते हैं, लेकिन जल्द ही उसकी यादें पार्कर को रुला देती हैं और उसे रोता देख लिंच उसे कहता है कि डैन ने उन दोनों को बचाने के लिए अपनी जान गंवाई थी और वो दोनों भी मर गए तो उसकी कुर्बानी बेकार जाएगी। और इतना कहते ही वो एक नई उम्मीद लेकर उठ खड़ा होता है। अब जैसे ही वो केबल पकड़कर आगे जंप करता है कि तभी उस झटके से लिफ्ट का एक स्क्रू खुल जाता है, जिसके चलते लिफ्ट का बैलेंस बिगड़ जाता है। अब पार्कर की जान खतरे में देख लिंच अपनी पूरी जान लगाकर केबल के जरिए दूसरी तरफ जाना शुरू कर देता है। और इसी बीच हमारी नजर नीचे आते हुए उन भेड़ियों पर जाती है जो उनका शोर सुनकर वहां आ चुके थे। अब जैसे तैसे लिंच दूसरी लिफ्ट तक पहुंचता है और नीचे उतरते ही उसकी नजर अपने हाथों पर जाती है जो बुरी तरह से कट चुके थे। अब उसका ध्यान नीचे खड़े भेड़ियों पर जाता है और वो पार्कर से अपना स्की पोल फेंकने को कहता है। अब पार्कर संभलते हुए वो स्की पोल निकालती है और जैसे उसे फेंकने लगती है कि अचानक उस झटके से वो लिफ्ट और ढीली हो जाती है, जिसके चलते वो पोल नीचे बर्फ में जा गिरता है। अब दोनों को मरता देख लिंच अपने हाथों की परवाह न करते हुए एक बार फिर से उठ खड़ा होता है और चीखते चिल्लाते किसी तरह उस केबल के जरिए आखिरकार उस पोल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है, जिसे देख पार्कर भी खुशी से भर जाती है। अब लिंच पोल के जरिए नीचे उतरना शुरू कर देता है और जैसे ही वो नीचे पहुंचता है कि तभी अचानक एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है, लेकिन लिंच नीचे पड़े हुए पोल की मदद से उस भेड़िए को भगाने में कामयाब हो जाता है और भागते हुए अपने स्नोबोर्ड की तरफ जाता है और उसे अपने एक पैर से बांधते हुए उस पर बैठ जाता है। अब वो पार्कर से मदद लाने का वादा करते हुए वहां से जाता हुआ दिखाई देता है, जहां हम उसके पीछे उन भेड़िए को भी भागते हुए देखते हैं, जिसे देख ऊपर बैठी पार्कर बुरी तरह से घबरा जाती है। अब कई घंटे बीत जाते हैं और हम पार्कर को उस आने वाली मदद का इंतजार करते हुए देखते हैं, जहां धीरे धीरे वो पूरा दिन रात की आगोश में जाता हुआ दिखाई देता है, जहां पार्कर लिंच की राह तकते तकते सो जाती है। अब अगली सुबह होते ही पार्कर की नींद खुलती है, जहां वो उठते ही पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां किसी को न पाकर वो टूट जाती है। अब कुछ देर बाद वो उन भेड़ियों को यहां वहां ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे वहां कोई भेड़िया नजर नहीं आता। और इस मौके का फायदा उठाते हुए वो खुद को तैयार करती है, जहां वो नीचे देखते हुए वहां से कूदने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो लिफ्ट से नीचे उतरना शुरू करती है कि तभी ऊपर लगा स्क्रू खुल जाता है, जिसके चलते वो लिफ्ट के समेत एक वायर से लटक जाती है। अब उसकी नजर उस वायर पर जाती है, जहां उसे टूटता हुआ देख वो और घबरा जाती है और अपनी जान बचाने के लिए नीचे कूद जाती है। अब जैसे ही वो नीचे गिरती है कि तभी उस लिफ्ट की वायर भी टूट जाती है और वो लिफ्ट सीधा उसके पैर पर आकर गिरती है, जिसके चलते उसका वो पैर जख्मी हो जाता है, लेकिन भेड़ियों के डर के कारण वो एक चूं तक नहीं करती। अब वो अपने जख्मी पैर को लिफ्ट से निकालती है और रेंगते हुए वहां से जाना शुरू करती है। अब रेंगते रेंगते वो पहाड़ी के नीचे तक पहुंचती है और इसी दौरान उसकी नजर बर्फ पर पड़े खून के छींटों पर जाती है, जहां उसका ध्यान अपने सामने पड़ी लिंच की लाश पर जाता है,
जिसे वो भेड़िए बड़े आराम से खा रहे थे। अब एक भेड़िया उसकी गन सूखते हुए वहां आ जाता है, जिसे देख पारकर बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन शायद पेट भरा होने के कारण वो भेड़िया वहां से वापस जाते हुए दिखाई देता है। और उसके जाते ही पारकर की जान में जान आती है और वो धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ती है, जहां वो गिरते पड़ते आखिरकार नीचे तक पहुंचने में सफल हो जाती है। अब नीचे पहुंचते ही उसकी नजर अपने सामने गुजरती हुई एक गाड़ी पर पड़ती है, लेकिन वो गाड़ी उसे अनदेखा करते हुए वहां से निकल जाती है। अब वो रेंगते हुए बीच सड़क तक पहुंचती है, जहां पहुंचते ही उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती है। अब कुछ देर बाद उसे फिर से एक गाड़ी का शोर सुनाई देता है, जिसे देख वो अपनी पूरी जान लगाकर एक बार फिर से अपना हाथ उठाते हुए मदद मांगती है। और उसे बीच सड़क में पड़ा देख वो ड्राइवर जोरों से गाड़ी की ब्रेक मारता है और गाड़ी से निकलकर उसकी तरफ भागता है। अब वो उसकी मदद करते हुए उसे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठाता है, जहां वो उसे बताता है कि हॉस्पिटल यहां से कुछ ही दूरी पर है, और उसे हौसला देते हुए कहता है तुम्हें कुछ नहीं होगा। और उसकी ये बात सुनते ही उसे डैन की याद आ जाती है, जहां उसने भी उसकी जान बचाने के लिए पार्कर से यही शब्द कहे थे। अब हम एक आखिरी बार उसे यादों के भंवर में डूबते हुए देखते हैं और इस तरह फिल्म का अंत हो जाता है। तो दोस्तों, फिल्म का अंत हमें बुरी तरह से झिंझोड़ते हुए हिम्मत और खौफ की वो दास्तान सुना जाता है, जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और बात करें कहानी की, तो हम कुदरत के उस भयानक चेहरे से वाकिफ होते हैं, जिसके चलते उन तीनों की एक छोटी सी जिद उनकी दुनिया उजाड़ कर रख देती है। लेकिन मुसीबत की इस घड़ी में भी वो तीनों एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते, और इस तरह हम पहली बार उनके असली हौसले से रूबरू होते हैं, जहां डैन अपनी जान की परवाह न करते हुए अपने प्यार और दोस्ती की खातिर कुर्बान हो जाता है। और उसकी ये कुर्बानी देख वो दोनों एक ही रात में अपने बरसों पुराने तनाव को भुलाकर एक दूसरे को माफ करना सीख जाते हैं। और अगली सुबह होते ही हम एक दोस्त को अपना फर्ज निभाते हुए देखते हैं, जिसके चलते वो अपनी जान की परवाह न करते हुए पार्कर को बचाने में जुट जाता है, और एक सच्चे दोस्त का उदाहरण देते हुए उसे अंत तक हौसला देते हुए नजर आता है। वहीं दूसरी ओर हम पार्कर को देखते हैं, जो कुदरत और समाज की हर मुसीबत से गुजरती है, जहां सब कुछ खो जाने के बाद वो खुद को तनहा और बेबस पाती है। लेकिन जल्दी उसे कुदरत का वो अटल नियम समझ आ जाता है कि भगवान भी उसकी ही मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद कर सके। और इसी सोच के चलते वो अपनी उस अंदरूनी शक्ति से वाकिफ होती है, जिसका उसे पहले कभी अंदाजा भी नहीं था। और इसी सफर के दौरान उसका सामना मौत से भी होता है, लेकिन उसकी आंखों में हिम्मत और जीने का जज्बा देख मौत भी अपना रुख बदल लेती है, और अंत में आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है, जहां वो कुदरत को हराते हुए ये बता देती है कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से है, पहले जीना तो सीख लो। तो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके भी कोई विचार या सवाल हैं इस मूवी को लेकर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको मेरा काम कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। अगर आप मेरे काम से खुश हैं तो आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त, और हम फिर मिलेंगे कुछ ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। धन्यवाद।